बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मिक्स व्लॉग। क्या हाल है जी मेरी वाइटी फैमिली का? इंशाल्लाह सब हैर हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज ये मिक्स व्लॉग में हम ज़बरदस्त जी ईद स्पेशल है। सबको पहले ईद मुबारक, मेरी सारी वाइटी को ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबको इस ईद पे हज़ारों खुशियां देखने नसीब करे, आमीन सुम आमीन। ईद पे जी हम लोगों ने एक ईद छोटा सा ईद व्लॉग बनाया है। बहुत बिजी डे होता है ईद का दिन हमारे लिए, तो मैंने कहा क्यों ना आज आप लोगों से छोटा सा ब्लॉग शेयर किया जाए। खाने का ब्लॉग है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जी हमने ये आज ही हमने कुर्बानी की है, कलेजी बना लिए और साथ गोश्त भी बना लिया है। तो इसके लिए हम लोगों ने हांडी तैयार करनी है। बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा गाँव पिंडों में ना सारे लोग, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ उनका खाना होता है। ऐसे ही हमारे घर में भी खाना था, तो जिसके लिए माशाल्लाह से हमने 15 से 20 किलो के करीब होगा जी हमारी ये कलेजी, और उसमें हमने गोश्त डाला है तो वो तैयार करने लगे हैं। इसमें मैं आपको अंदाजन से बता सकती हूँ कि इसमें इतनी इतनी चीज़ें की हैं, इसलिए कि तकरीबन मैक्सिमम ये 20 किलो है। इसमें मैंने प्याज डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है, हमने एक अंदाजे से ही डाला है। इसी तरह हम नमक भी डाल रहे हैं, साथ मैंने मिर्चें डाल दी हैं। पहले तो आपको बताते हैं इतनी मिर्चें इतनी, लेकिन चूँकि ये अंदाजे के से डाल रहे हैं तो इसलिए आप अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल सकते हैं। इसमें तकरीबन जी हमने तकरीबन मैंने 1.5 पैकेट जो घी का था वो शामिल किया है अपने और कलेजी में जी। चलें अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। इंशाल्लाह आपको साथ साथ इंग्रेडिएंट्स भी और भी बाकी बताते रहेंगे। अब हमने इसमें सब थोड़ी सी चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब ये मेरा तकरीबन 1.5 किलो दही था वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत मज़े के बहुत ज़बरदस्त से जी रेडी करेंगे। साथ मैंने ये धनिया पाउडर है वो शामिल कर दिया है। ये साथ जी मिर्चें, गोल मिर्चें वो मैंने तकरीबन 10 से 12 हैं वो शामिल कर दी हैं। अब हम इनको सारों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब तक हमारा जी कलेजी होती है तब तक हम लोग बाकी काम कर लेते हैं। हम लोगों ने सलाद बनाना था साथ, तो मैंने और मेरी देवरानी ने सलाद बनाने के लिए बैठ के हम लोगों ने सलाद बनाया। बहुत मज़ा आया जी, बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं तो इसलिए बहुत मज़ा आता है। हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं, बिज़ी दिन होता है लेकिन बहुत मज़ा आता है जब सारे बहन भाई मिल बैठे हों तो बहुत मज़ा आता है सारों को। इंशाल्लाह जब आप लोग मेरा ये ब्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को भी यकीनन बहुत पसंद आएगा। हम लोगों ने जिस सलाद की 4 से 5 प्लेटें रेडी कर ली थी और वो साइड भी रख लिए थे। हांडी चूँकि मेरी जिठानी बना रहे थे, ये जी आज हांडी मेरी जिठानी बना रही हैं, तो हम उनके साथ बाकी हेल्प कर रहे हैं। ये तकरीबन जी इसको 35 से 40 मिनट हो गए थे उसके बाद हमने देखा, तो अभी काफ़ी हद तक ये गल गया हुआ था, लेकिन अब साथ साथ इसको चम्मच भी हिलाते रहेंगे। मैंने ये 8 से 10 अदरक टमाटर ले लिए हैं, अदरक इसमें शामिल कर दिए, इनको मैंने ग्राइंड करना है और ग्राइंड करके हम इसको शामिल करेंगे। ये देखें जी मेरा ये ग्राइंड हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे, सारा एकदम से नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इसलिए कि हम इसको भून रहे हैं ताकि इसमें पानी का इसका छींटा भी लगता रहेगा और साथ अच्छे से हमारी कलेजी रेडी हो जाएगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत रौनक लगी हुई है जी हमारे घर में। बहुत से मेहमान आए हैं, तो आपके घर भी ऐसी ईद मनाई जा रही होगी खुशियों भरी। ये साथ हमने जी सब्ज़ मिर्चें वो शामिल कर दिए हैं, ये भी मैंने फ्रीज़ की हुई थी। मैंने अपनी कलेजी में पानी बिल्कुल नहीं डाला, ये अपने ही पानी और दही में पकी है। ये हमारे हांडी को रखे तकरीबन 4 घंटे हो गए। साथ ही जी हम इसमें गरम मसाला भी शामिल कर देंगे, ये मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। साथ मैंने थोड़ी सी दड़ा मिर्च शामिल कर दी है और ये मिर्चें मैंने काट के और अदरक काट के रख ली हुई, ये हम इंशाल्लाह एंड में इसमें डालेंगे। अब हम इसमें मेथी शामिल कर दिए, खुशक मेथी है जी वो हम इसमें शामिल मैंने शामिल कर दिए। खुशक मेथी से ना कलेजी में बहुत ज़बरदस्त जी खुशबू हो जाएगी हमारी खुशक मेथी के साथ। हमारी जी कलेजी और जो इसमें गोश्त थोड़ा सा डाला था वो तकरीबन जी हमारी हांडी रेडी है। हमारी कलेजी तकरीबन जी रेडी है। इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दिए, अदरक शामिल कर दिए, साथ जी हमने धनिया इसमें डाल दिया है। बहुत मज़े की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है हमारे घर में जी। साथ ही मैंने गर्म मसाला थोड़ा सा डाला है और थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर दी हैं जी इसके ऊपर। हम ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी मेरी कलेजी और गोश्त तकरीबन इसको 3 से 4 घंटे लगे हैं और ये रेडी हो गया है। तो हमारे घर में मेहमान आना शुरू हो गए हैं, अब हम उनको खाना देते हैं। साथ ही हम लोगों ने जी खाना सर्व करना शुरू कर दिया डोंगे में डाल डाल के।
ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ही हमारे नान भी आ गए हुए थे, बहुत गर्म बहुत मज़े के। ये देखें जी माशाल्लाह से सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये मेरी छोटी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी नए रेसिपी किसी नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।